अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोविड आपको ड्रामा लग रहा है ना, मैं आपको फिर ड्रामा दिखाऊंगा कैसे चलता है फिर वार्ड्स पे ड्रामा। ये सारा ड्रामा है क्या? ये जो यहाँ सारे पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं, हर वार्ड बिजी है, बेड नहीं मिल पा रहा है लिटरली, क्या ये सारा ड्रामा है? ये जो फाइट कर रहे डॉक्टर्स, क्या ये सारा ड्रामा है? हर कोई ऑक्सीजन पे है, क्या ये सारा ड्रामा है? मेहरबानी करके एहतियात करिए। ये देखिए ऑक्सीजन हर जगह लगा है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन पे। ये देखिए, ये हालत देखिए बेड्स की, और यहाँ देखिए हालत क्या है पेशेंट्स की, आप देखिए वहाँ पे भी। यकीन मानिए, अब ये जो इसके ऊपर लग रहा है ना कैप, ये नहीं मिल रहा है मार्केट से बाहर, तो आपको ड्रामा लगता है ना। ये देखिए सारा यहाँ ड्रामा है, ऑक्सीजन लेवल सबकी गिरी हुई है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए आगे, यहाँ देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये देखिए, क्या ये सब ड्रामा है? ये ड्रामा है, ऑक्सीजन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, आपको ड्रामा लगता है ना? ये कोई ड्रामा नहीं है दोस्तों, ये हालत बड़ी ख़राब है इस वक्त। मेहरबानी करके मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, आपको ड्रामा लगता है ना, ऐसी क्राइसिस हो जाएंगी फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए हालत देखिए, मेहरबानी करके एहतियात करिए, मेहरबानी करके। रोना आता है यहाँ पे। ये मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट हारून चौधरी सरायवाला। हारून साहब क्या बताएंगे लोगों को? मेरी तो यही गुजारिश है लोगों की, प्रकाशन रखे, दूरी रखे। अब हमने गलती की तो अब बस आप लगे, हमने थोड़ी सी गलती की। मैं अब इस दलदल में आपको तो पता ही है हम कहाँ होते थे। देखिए मैं रोज क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको रियलिटी दिखाने आया हूँ। यही हालत हर वार्ड की है, बेड नहीं मिल पा रहे। आप बताइए, ये छोड़िए, आप बताइए। लुक अराउंड हियर, इट इज टोटली डिजास्ट्रस। जो आपको लगता है ना, ये वो चीज़ नहीं है। आप हमेशा ड्रामा कहते हैं ना, लोग यहाँ पे संजीदा नहीं है। सिर्फ हम कोविड को मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ों की आदत थी। मुझे क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? आप देखिए हालत देखिए यहाँ पे, ये देखिए हर साइड से आपको ऑक्सीजन दिखेगा। ये देखिए हालत, ये देखिए, यकीन मानिए कुछ इक्विपमेंट भी अब नहीं मिल रहा है, ये वाली चीज ही नहीं मिल रही है। ये देखिए, ये वाली मार्केट में इस वक्त नहीं मिल रही है। अगर कोई भी देख रहा हो जो SMHS हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मेडिकल शॉप्स हैं, ये वाली चीज जो है, मुझे नहीं मालूम इसको क्या कहते हैं, ये सप्लाई कीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। ये देखिए हालत क्या है पेशेंट्स की, ज़्यादा मैं क्लोज दिखाना नहीं चाहता हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये देखिए हालत, देखिए सबकी हालत देखिए, मेहरबानी करके एहतियात करिए। मैं फिर से दोस्तों, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इसको ड्रामा मत समझिए, और मेरे यहाँ आने को ड्रामा मत समझिए, रियलिटी आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर हम एहतियात करेंगे हम बच सकते हैं। अगर हालत ज़्यादा और बिगड़ी, ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि यहाँ पर एकदम से बायलेटरल निमोनिया हो जाता है। हमने यहाँ पे देखा कि सबको ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाती है, यहाँ जो सप्लाई होता है ना पाइप से ऑक्सीजन, उससे काम ही नहीं चलता। अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाने पड़ते हैं, हाई फ्लो हाई लिक्विड ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। अगर आप सबको ये ड्रामा लगता है, फिर आपकी मर्जी। और ये वाला जो इक्विपमेंट है ना, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है मार्केट में बाहर, ये इजीली मिल नहीं रहा है SMHS हॉस्पिटल के एरिया में, मेहरबानी करके जो भी सप्लायर हैं इस एरिया में, ये सप्लाई करिए। आप हमें बताइए क्या सिचुएशन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ड्रामा है, कुछ नहीं है, यहाँ तो रोना आता है। ड्रामा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके बगैर बंदा बैठ नहीं सकता है, ऑक्सीजन के बगैर। अगर ये नहीं होगा तो बंदा सांस नहीं ले पाता है। इनकी एज कितनी है? नौजवान, 32 है। एकदम से डिप हो गया ऑक्सीजन। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे हर कोई ऑक्सीजन पे है। ये खाली ये वार्ड नहीं है, बाकी जितने भी यहाँ पे वार्ड है, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 18, 19, 20, यहाँ हालत देखिए। मेहरबानी करके एहतियात करिए। मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ आया, ताकि मैं आपको बताऊँ ऑन ग्राउंड सिचुएशन के। आप भी यहाँ पे हैं जी? सर गवर्नमेंट है, ये बहुत अच्छा मतलब काम करते हैं, मगर एक बदकिस्मती है, थोड़ा टेक्निकल खराबी है लाइनों में, क्योंकि इस ऑक्सीजन और सिलेंडर से पेशेंट को थोड़ा फर्क होता है। बाकी काम ये करते हैं ऐसे, मतलब उतना ख़राब नहीं है जितना लोग कहते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ सुख से, जो कश्मीर का मीडिया है, अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहे तो कुछ सुनने वाला नहीं। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा, इस तरीके से कहीं एक बदकिस्म दे ओमली टेक्निकल फॉल्ट है, इसीलिए हमें तो जरूरत है सिलेंडर लगाने की। यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर कोई रिस्क में डालता है अपने आप को, लेकिन जो आप हालत देख रहे हैं ना, इससे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आया, मैं यहाँ देख रहा हूँ, अरे नौजवान लड़कियाँ यहाँ पे हैं, नौजवान लड़के हैं यहाँ पे,
बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, और आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हाल देखिए। तो मेहरबानी करके बस सिर्फ एहतियात करिए, कल से ये सोचिए, अगर आपको कर्फ्यू भी लगता है ना तो ये सोचिए, ये इसलिए हो जाता है। यहाँ हकीकत में रोना आता है, यहाँ रोना आता है, रोते हैं यहाँ पे लोग। बोलिए कि हमारा हाल देखो, लोग समझन में 20 दिन से इस कोरोना के पीछे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, अब ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हॉस्पिटलों की मेहरबानी है। कहाँ बेड भी तो नहीं है आप? मैं बोल रहा हूँ, हाँ बेड इजीली अवेलेबल नहीं है, इवन की जो ऑक्सीजन है इसकी शॉर्टेज हो रही है, फ्लो कम अब आ रहा है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है हमें खुद लाने पड़ते हैं, इसकी भी शॉर्टेज। आप तो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, ये तो सबको करना पड़ेगा क्योंकि क्राइसिस लाइक सिचुएशन जरूरी है, क्योंकि मेरी माँ मर रही है, मुझे बचाना है इसको, लेकिन अब ये भी शॉर्ट। लोगों को क्या कहेंगे आप? मेरा मैसेज सिर्फ ये कहूंगा कि मेहरबानी करके अगर मैंने यहाँ पे 4 मास्क लगाए, घर में 2 मास्क कम से कम लगाओ, और कम से कम 3 गज की दूरी रखो, अपने हाथों में ग्लव्स लगाओ, ताकि ग्लव्स लगा के आप हाथों को मुंह को टच नहीं करेंगे। दोस्तों मेहरबानी करके अपने आप को देखिए, सिर्फ ऑक्सीजन आप देखेंगे, सिर्फ सिलेंडर्स देख रहे, लोगों को खुद लगाना पड़ता है। देखिए ऑक्सीजन अब लाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन खत्म हो गया, फिर से ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ कोई क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, हालात में बहुत खामियां हो सकती हैं, हॉस्पिटल में खामियां हो सकती हैं, लोगों को खुद काम करना पड़ता है, लेकिन अगर हम सुधरेंगे तो ऐसा करना नहीं पड़ेगा। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से कहता हूँ कि आप एहतियात करिए, अपने आप को बचाइए, करण छुन कहीं अक्ष दूर रोजन गैदरिंग मन गुन कहीं मास्क लगा यमिस गरी नबर नेरन जरूरत सुबह गरी, अगर सह गरी बेहि तमिस कहीं प्रॉब्लम। शुक्रिया।